गाय बैलों से, ना जाने कितने जन्मों से। शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियों में से निकल के हम आए हैं, तब ये मनुष्य का शरीर मिला है। हो सकता है 2-4 बार मिल गया हो, रिफाइंड होते होते हम थोड़े अच्छे मनुष्य बन गए हैं, या फिर बिगड़ गए हैं। लेकिन ये वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि ये मनुष्य कभी जेली फिश से प्रारंभ हुआ है। जेली फिश जो पंपिंग करती है, अपना हार्ट जैसे पंपिंग करता है, बोलता है मनुष्य वहीं से शुरू हुआ है। ये मनुष्य की फाउंडेशन जेली फिश से है। अनुभवी वैज्ञानिक बोलते हैं, लेकिन शास्त्र तो पहले से ही बोलते हैं कि बड़े भाग से मिला है मनुष्य का शरीर, तरह तरह की योनियों में हम भटके हैं। और आप ये नहीं समझना कि ये जो मरमर के जो जा रहे हैं ये सभी वापस मनुष्य बन जाएंगे, नहीं, कोई जानवर बन रहा है जा करके, अपने कर्मों के अनुसार वापस गिर जाते हैं जानवरों में, फिर ये चक्कर लगाते हैं इधर उधर। जानवरों को होश नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है उनके पास, सोचने की शक्ति नहीं है, तो इसलिए वो जानवर के योनियों में इधर उधर लुड्डक पुड्डक होते डोलते हैं। कभी भेड़िया बनते हैं वोल्फ, कभी सिंह बन जाते हैं, बड़ी मांस खाने की आदत डाली जिंदगी भर, तो सिंह चांस देती है प्रकृति, जाओ बच्चा सिंह बन जाओ, खूब खाना, एक एक दिन में 40-40 किलो, 40 किलो मांस एक बार में सिंह खा लेता है, चाहे वो दूसरे दिन नहीं खाए लेकिन एक बार में वो खा लेता है पूरी तरह, 40 किलो, खूब खाना। अभी अभ्यास किया ना, कर रहा है समाज, जहां भी जाओगे हाथों में मांस, अंडे, मांस, मुर्गे, मच्छर, सुअर, गाय, बीफ, हर एक दुकानों पे, बड़े बड़े स्टोर हैं, यहां न्यूयॉर्क में मैं देखता हूं, वहां जाइए कभी सैटरडे संडे को, बड़े बड़े दुकान स्टोर्स पे जहां पर ये चीजें अवेलेबल है, हर एक आदमी ऐसा इसके हाथ में मांस है, क्या कारण है? फिर चीलों में, कौओं में और मनुष्य में क्या भेद रह गया? वो भी मांस के ऊपर ही नजर रखते हैं, मनुष्य ने, समाज ने भी मांस के ऊपर ही अपनी नजर टिका दी है और सब जगह से ध्यान हटा दिया कि मांस खाओ, अच्छा अच्छा कुकिंग करो और शराब पियो, मस्त रहो, फिर थोड़ा गधा बोझ तो डोलना पड़ेगा, नौकरी वोकरी तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, दफ्तर तो खोलना पड़ेगा, लेकिन ये काम मत चूको। और वो स्वाद के लिए ही ये गुलाम बना रहता है जिंदगी भर, इसी स्वाद को पूरा करने के लिए, और वो तरह तरह के झूठ बोलेगा, पाप करेगा, बेईमानी करेगा, धोखा देगा, बेमनुष्यता सा देगा, इसी काम के लिए। खाना पीना सोना, बह मैथु निद्रा आहार, शास्त्र कहते हैं कि ये प्रत्येक जीव में भी होता है, भय मैथुन निद्रा और आहार भोजन। लेकिन मनुष्य को भगवान ने इतनी हाईएस्ट सोचने की शक्ति दी है कि कम से कम अपना आहार तो शुद्ध करके खाए, और इसे तरक्की है। आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिन, सारे भ्रम के गांठ खुल जाती है शुद्ध आहार जिसका होता है, भ्रम निवारण हो जाते हैं उसके जीवन में, वो स्पष्ट देखने लगता है कि बुरा क्या है और भला क्या है, केवल आहार शुद्ध करने से। और समाज चूक जाता है इन बातों से, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं, भगवान को नकारते हैं, और भोग विलासों के लिए कुछ भी करते हैं, तो फिर अंधकार में जीवन हो जाता है। नहीं, यू टर्न ले लेना चाहिए समाज को, दिशा परिवर्तन कर देनी चाहिए, तब सुख समृद्धि हाथ में लगेगी, उससे पहले नहीं। आहार के अंदर सारी सीक्रेट्स हैं, ये पंचकोशी यात्रा है आहार की, पंचकोश तैयार करता है आहार।
शास्त्र तो कहते हैं अन्न से ही, अन्न के माध्यम से ही और ये आत्मा एक दूसरे माता पिता के गर्भस्थ में चली जाती है। सत्य है, आहार फाउंडेशन है, कैसे जीवन होगा आपका आहार के बिना? ये तो फाउंडेशन है संसार का आहार, ये फाउंडेशन की बात की जा रही है कि आपका फाउंडेशन कैसे हुआ है उसी हिसाब से आपका जीवन चलेगा। लेकिन फाउंडेशन में भी आप करेक्शन कर सकते हैं, फाउंडेशन आपने चाहे गलत किया हो लेकिन आप सुधार कर सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं। चाहे माता पिताओं के माध्यम से गलत फाउंडेशन हो गया या समाज सोसाइटी के कारण से कुछ गलत मार्ग में भटक गए, लेकिन कोई संतों के शब्दों पर विश्वास हो, श्रद्धा हो या शास्त्रों में श्रद्धा हो तो आप ये गलत मार्ग को छोड़ दीजिए, ये दुख का कारण बनेगा, और सतमार्ग पर आ जाइए, आपके जीवन को, जीवन के रथ को सत पथ पर लाइए, तभी आपको सुख मिलेगा, तभी आपकी आयु लंबी होगी। आयु सत्व बुद्धि डेवलप होगी, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, इनका इनका इनमें वृद्धि होगी। विवर्धना मीन्स वृद्धि होना, विकास होना, आपकी बुद्धि का विकास होगा, आयु का विकास होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, प्रीति का विकास होगा, प्रीति के फूल लगेंगे आपके बगीचे में, हृदय रूपी बगीचे में प्रेम के झरने फूटेंगे जब आपका आहार शुद्ध होगा, प्रेममयी होगा, प्रेम से पकाया होगा, ईमानदारी से कमाया होगा, शाकाहारी होगा और प्रभु को और अर्पण किया होगा कि आओ मेरे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, निहाल कर दिया, सुंदर नेत्र दिए, बुद्धि दी और ये शुद्ध भोजन दिया, सुंदर गेहूं बासमती राइस, सुंदर दाल सब्जियां चटपटे सब कुछ है, कोई कमी नहीं, रस युक्त है, घी दूध मलाई दही, दही कितनी अच्छी अमृत है, दही दूध घी गेहूं चावल सब्जियां फ्रूट ड्राई फ्रूट्स नाना प्रकार के व्यंजन शाकाहारी के अंदर, शाकाहार भोजन में है, उनको ग्रहण कीजिए, ये आपकी सबसे श्रेष्ठ बुद्धि का सूचक है कि आप बुद्धिमान हैं, यू आर ए वाइज मैन, यू बिकम ए वेजिटेरियन पर्सन। वो भगवान ये गीता में प्रेरणा देते हैं समाज को, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रश्या स्निग्धाह स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। तो सात्विक नहीं हो आज तो बन जाओगे, लेकिन बनोगे तो आहार के माध्यम से ही। सात्विक हो वो भी आहार के माध्यम से ही आप सात्विक स्तर पर आए हैं, और तो कोई जरिया नहीं है। आपकी पंचकोशी यात्रा अन्न है, आपका शरीर अन्न है, प्राणवायु अन्न है, मनोवायु मनोमय अन्न कोश मनोमय कोश है, अन्न से ही मनोमय कोश है, ज्ञान में कोश है, विज्ञान में कोश है, और उसके परे आप आत्मा है सच्चिदानंद। तो अपने जो परकोटे हैं पांच जिनको पंचकोश कहा है, इन परकोटों को सत्वगुणी बनाइए, शुद्ध बनाइए। आपका शरीर सत्वगुण में रहना चाहिए, आपका ब्लड सीमन सत्वगुण होना चाहिए, आपकी प्राणवायु सत्वगुण चलनी चाहिए, सत्वगुण में शुद्ध कर्म होते हैं। आपका मन बुद्धि अहंकार
चित्त के विचार, ये सब सत्वगुण में होने चाहिए। तो ये तब होंगे सत्वगुण में जब आप आहार सत्वगुणी करेंगे। सत्वगुणी व्यक्ति को भी रजोगुणी आहार डुबो देता है, सत्वगुणी बना देता है, रजोगुणी बना देता है। मेरा मतलब तात्पर्य कहने का, तमोगुणी आहार ग्रहण करोगे तो आप कितने भी सत्वगुणी हो गिर जाओगे, तमोगुण में आ जाओगे। चाहे महात्मा हो या ब्राह्मण हो या और कोई साधु पुरुष हो या बड़ी योगी पुरुष हो, आप आहार जब बिगाड़ रहे हो तो आप सब बिगड़ जाएगा आपका सारा, सारे भ्रष्ट बुद्धि, भ्रष्ट मन, भ्रष्ट सब कुछ आहार के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आपसे प्रार्थना है आपका आहार आप सही करें, शुद्ध आहार करें, आपकी किचन शुद्ध हो। लाख बोले डॉक्टर, डॉक्टर तो जो करेगा वही तो बोलेगा। डॉक्टरों ने अपना शरीर जब सत्वगुणी नहीं बनाया, डेवलप किया, तो आपको कैसे वो सत्वगुण चीज बतलाएगा? कोई अच्छे वैद्य से परामर्श करेंगे तो आपको सत्पथ को बताए। सत्वगुणी सत शब्द ही बोल रहा है कि सत्पथ यही सत्य है, सत्गुण ये गुण सत्य है। इस गुण से ही, इस क्वालिटी से ही आप छलांग मार सकते हैं इटर्निटी की और वैकुंठ की ओर, और कोई जरिया नहीं। रज गुण है, रज यानी मिट्टी, ये मिट्टी में मिलाएगा इधर ही बार बार, इधर ही जन्मोगे इधर ही मरोगे, इधर ही जन्मोगे इधर ही मरोगे, इसका नाम रज है। रज मानी मिट्टी, रज गुण रजोगुण। फिर तम यानी अंधकार, ये हमेशा जन्म जन्म तुमको अंधेरे में ही, जैसे अंधेरे में जैसे कॉकरोचेज रहती हैं, चूहे रहते हैं, जितना अंधकार होगा उतने इंसेक्ट्स ज्यादा होंगे, ऐसे ही आपको अंधकार में ही कीड़े मकोड़ों की तरह रखेगा, ऐसे जीवन में रखेगा। तो बुद्धिमत्ता कहां है आपकी? सत्वगुण में होनी चाहिए, सत्वगुणी बनिए। सत्वगुण के लिए सत्वगुणी आहार कीजिए। रजोगुणी आहार का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर किया है, कट्व अमल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण विदाहिना आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। अभी देखिए सेकंड नंबर है रजोगुणी आहार। भगवान ने पहले कह दिया है श्लोक में कि रजोगुणी व्यक्ति जो होते हैं उनको रजोगुणी आहार ही प्रिय लगता है, क्यों? उन्होंने रजोगुणी बना लिया है अपनी विचारधारा को, अपने स्वभाव को, अपनी नेचर को, अपनी बुद्धि को, तो उनको रजोगुणी आहार ही पसंद आएगा। इसमें क्या होते हैं? कटु कड़े, कड़े आहार जो कड़वाहट देते हैं, अम्ल, अम्ल कहते हैं कटु अम्ल लवणात उष्ण तीक्ष्ण विदाही नहा, अम्ल यानी खट्टे, कड़वे खट्टे तीखे विदाहिना जो जलन पैदा करते हैं, तीक्ष्ण तीखे ज्यादा मिर्ची मसाले भरे हैं, रूक्ष रूखे जिनमें कोई प्रेम नहीं है, रूखे हृदय से बनाए पकाए, रूखे हृदय प्रेम भरे हृदय से कोई शिकार करता है कि हृदय में प्रेम भराओ और शिकार किया हो? बड़ा रूखा हृदय चाहिए शिकार करने के लिए, एक एक चिड़िया को मारने के लिए बड़ा रूखा सा हृदय चाहिए, तब ये शिकार होता है, ये रूखा शिकार, इसमें प्रेम नहीं होता। प्रेम भरा शिकार कैसे, प्रेम भरा हृदय शिकार नहीं कर सकता। शिकार करने से पहले हृदय को रूखा बनाना पड़ता है। जैसे आपका व्यवहार किसी के साथ में रूखा होता है, मुंह फेर के निकल जाते हैं, थोड़ा मुंह फुला लेते हैं, आंखें टेढ़ी कर लेते हैं, तरेर लेते हैं कि नहीं बात करनी है सर, निकल चलो सर, रूखा सा स्वभाव दिखाते हैं, रूखा व्यवहार करते हैं, ऐसे रूखा हृदय चाहिए। कुछ वायलेंट फूड अर्जित करने के लिए
वरना इतनी सुंदर पंछी होता है, कैसे मारोगे? इतने सुंदर वन में हिरण होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, घास खाते हैं, किसी को नुकसान नहीं करते, सताते नहीं, ऐसे निर्दोष को कैसे मारोगे? अगर रूखा हृदय नहीं है आपका तो रजोगुणी पुरुष रूखे होते हैं और रूखा ही भोजन करते हैं फिर, क्योंकि जिनका भोजन करते हैं वो भी इनसे कोई प्रेम करता नहीं है। शिकारी से हिरण क्या प्रेम करेगा, वो भी रूखा हो जाता है। मोर नाचता है उसी के सामने जो उसका प्रेमी होता है, जो प्रेम की नजर से उसे देखता है। मारने की दृष्टि से कोई देखता है उसके सामने कैसे? नहीं, तीखे चटपटे मांस इत्यादि भोजन नहीं करना चाहिए। रजोगुण में ये ज्यादा होता है, तमोगुण में तो बिल्कुल ही निम्न स्तर पर होता है, सड़ा गड़ा बासी सब कुछ होता है। देखा जाए तो तमोगुण का ही ऊंचा सिरा जो है ये रजोगुण है, और तमोगुण का निचला सिरा है वो तमोगुण है। कहिए कि रजोगुण का जो नीचे का भाग है उसको तमोगुण बोला है, और रजोगुण के ऊंचे सिरे को रजोगुण बोला है। रजोगुण तमोगुण से बाहर निकलेंगे तभी आपको, वरना रजोगुण में तो दुख है, शोक है, चिंताएं, फिकर और बीमारियां हैं। दुख शोकामय आमय वाली बीमारी प्रदा यानी प्रदान करने वाले होते हैं ये भोजन। कड़वे क्या है? शराब कड़वी है, ज्यादा कड़वे नमक वगैरह खा रहे हैं, साल्टी, ब्लड प्रेशर हो रहा है, शराब है, ये कड़वे। तंबाकू है, तंबाकू मीठी होती है, कड़वी होती है, उल्टी आ जाएगी। अम्ल है, अम्ल भी कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है, खाएंगे तो खाई नहीं जाएगी, इतनी कड़वी होती है, सारे ब्लड को कड़वा कर देती है। ये सब रजोगुण तमोगुण है। कट्रो अम्ल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण विदायना आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। ये राजसों को प्रिय आहार जो है, ये राजसी आहार, ये दुख और शोक यानी चिंताएं और दुख और आमा दुख शोकामय आमय आमे यानी बीमारी, ये बीमारी को देने वाले हैं, आपको सिक करने वाले हैं, मन को, मस्तिष्क को, विचारों को, बुद्धि को, शरीर को सिक कर देंगे, बीमार कर देंगे। इसलिए रजोगुणी समाज भी दुखी है, बीमार है और चिंताग्रस्त है।